सबसे बड़ी बात है कि आज जो है कांग्रेस की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जो आईआईटी बीएचयू के जो तीनों आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ जो है ये प्रदर्शन है। और कांग्रेस का ये साफ कहना है कि जो तीनों आरोपी हैं वो भाजपा के स्थानीय स्तर पे वो कार्यकर्ता है और जो है उस पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि ये 60 दिन के बाद पुलिस प्रशासन ने आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 3 दिन पहले गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और कांग्रेस का यह सीधा आरोप है कि भाजपा प्रदेश और केंद्र दोनों सरकार अपने कार्यकर्ता को बचा रही है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि पूरा ये इलाका छावनी में तब्दील है और एक साइड में ये पूरी छावनी में तब्दील है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। अब देखना है कि यहाँ पे अभी इन लोगों का पत्रक लेने के लिए कौन आता है, ये भी देखने की बात है। और ये देखिए, ये कांग्रेस और NSY के कार्यकर्ता अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरेंद्र शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से। में मीडिया पूरी तरह से जानती है और इस घटना को लेकर के भी जानती है। सवाल ये बन रहा है कि वो मीडिया जो इस देश के चौथे स्तंभ के रूप में रही, कहीं भी किसी भी, मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 2 महीने पहले गैंगरेप हुआ और गैंगरेपी जो पकड़े गए वो भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर के पदाधिकारी, कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपके चैनल पे कम से कम चर्चा हो, इस बात की चर्चा हो कि आज आपकी ईमानदारी कहाँ है। दूसरी तरफ सवाल ये बनता है कि जब IIT की पीड़िता के साथ, जिसके साथ गैंगरेप 1 नवंबर की आधी रात को हुआ, इस देश के गृह मंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि 12 बजे रात को महिलाएं गहना पहन के चलेंगी तो सुरक्षित चलेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि घटना इस बात की तरफ इशारा करती है और कह रहे हूं आपके गृह मंत्री अमित शाह जी से कि अमित शाह जी, आप रात 10 बजे उत्तर प्रदेश के किसी सड़क पे बगैर सुरक्षा के सर से लेकर पांव तक गहना पहनकर चल दीजिए तो अगले दिन आप अपनी आपबीति खुद बताओगे। आज स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में पीड़िता ने मात्र 5 दिन बाद चिन्हित कर लिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने आशंका व्यक्त की, मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ABBP के लोग पुतले फूंकते हैं और यहाँ BHU के छात्र इकाई के साथ ही हमारे NSY के और तमाम लोग विरोध कर रहे थे तो उनमें जो 2 फाड़ किया गया, SC ST का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आज आदित्यनाथ योगी की सरकार प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय से माफी मांगे कि नहीं, मुकदमे वापस छात्रों के ऊपर से लेगी नहीं, ये सवाल है। और प्रधानमंत्री जो बेटियों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ये जवाब दें कि अगर उनकी शिनाख्त वाराणसी पुलिस के द्वारा 5 नवंबर को हो गई थी तो उनको मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में किसने भेजा, क्योंकि अगर उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया होता तो आज तीनों राज्यों की सूरत अलग होती। वो लाडली बहना जो मध्य प्रदेश में ठगी गई, वो बहन बेटी यहाँ की बहन के साथ जो बलात्कार हुआ, जो भाजपाई पदाधिकारियों ने किया, मध्य प्रदेश की बहन बेटियाँ वोट न देती, छत्तीसगढ़ की बहन बेटियाँ वोट न देती, राजस्थान की बहन बेटियाँ वोट न देती। इसको लेकर के पूरी तौर पर, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ईमानदारी आपके ऊपर है, हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यालय पे जाएंगे और इस बात से अवगत कराएंगे कि जब तक ये जुल्मी सत्ता रहेगी उसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे। हमारे शहर अध्यक्ष श्री राघवेंद्र चौबे जी के नेतृत्व में और तमाम कांग्रेस के साथी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी के नेतृत्व में इतने जो असंख्य साथी आए हैं, हम प्रदर्शन करेंगे। और तब तक हमारे सवाल हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़ें, क्योंकि आपने देखा कि सब मीडिया का जो सहसंयोजक जो पकड़ा गया है, जो यहाँ के काशी प्रांत के दिलीप पटेल का PA था, वो कह रहा है कि दीदी के साथ हमने बहुत कुछ सीखा। कौन दीदी है? स्मृति ईरानी, जो हमारे नेता जननायक राहुल गांधी पे हमले करती हैं। क्या स्मृति ईरानी जी के मुंह में फेविकोल चिपक गया? क्या वो कब बोलेंगी? इसलिए ये सवाल है कि इनको बचाने का कौन लोग थे, क्योंकि जहां तक ये सूचना मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वयं प्रधानमंत्री इसमें संलिप्त थे इनको बचाने के लिए, क्योंकि अगर शिनाख्त 5 नवंबर को हो गई थी तो जिनको जेल जाना चाहिए था वो मध्य प्रदेश कैसे गए, ये सवाल बनता है। दूसरा, 180 दिन के भीतर, अभी पिछले दिनों लोकसभा में कानून पास हुआ है, इनके ऊपर
जो है कड़ी से कड़ी सजा होगी। हम ये पूछना चाहते हैं कि इनकी सजा कब हो, और आप ही लोग हो, मुकदमा दर्ज होता है थाने में, ये मीडिया के आप लोग हो, न्यायालय में नहीं जाके ट्रायल होता, ट्रायल आप करते हो और अगले दिन बुलडोजर जाती है। इन तीनों आरोपियों के ऊपर आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर कब जाएगी? क्या बुलडोजर का ड्राइवर कहाँ चला गया है? क्या डीजल खत्म हो गया है? बुलडोजर चलना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी, जिससे लगे कि आपकी आंखों में न्याय एक आंख से देखते हो, दो आंख से नहीं। और जब ये आप करोगे तभी हम मानेंगे कि बेटी बढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी और बेटी सुरक्षित रहेगी।